स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका सेटअप पहले करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्लैटिनम की एक प्लेट लेते हैं छोटी सी। उस प्लैटिनम की प्लेट पर प्लैटिनम फाइनली डिवाइडेड जो प्लैटिनम है उसकी पेंट कर देते हैं, मतलब उसके ऊपर उसे कोटेड कर देते हैं, पर तब वो बन जाता है प्लैटिनम ब्लैक। ठीक है, उसके अंदर एक और प्लैटिनम का वायर लेते हैं और कांच, पिघले हुए कांच को उसके ऊपर रख देते हैं। तो मतलब हम पूरी तरीके से उस प्लैटिनम ब्लैक को, है ना, इलेक्ट्रोड बनाते हुए ऊपर की ओर हम क्या करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम पूरे टॉप पर तक लेके जाते हैं और एक कांच का इलेक्ट्रोड जैसा बना लेते हैं जिसके अंदर आपका प्लैटिनम का वायर होता है। प्लैटिनम का वायर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर या नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर NHS होता है और SHE होता है। N नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब नॉर्मल NHE और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये आपके दो सेटअप होते हैं। तो जैसे ही हम लेके आते हैं तो वो आपका नेगेटिव टर्मिनल, आपका इलेक्ट्रोड का टर्मिनल हो गया। फिर हम क्या करते हैं, ये तो हम सेंटर में किसी भी पॉट का कोई भी टब ले लीजिए उसके सेंटर में रख देते हैं और उसे बाहर से कवर किया जाता है एक और ग्लास की ट्यूब से जिसके अंदर हाइड्रोजन की गैस को भेजा जाता है। ये हाइड्रोजन गैस 1 atmospheric प्रेशर पर अंदर प्लैटिनम का जो आपने कोटेड किया था इलेक्ट्रोड बनाया था उसके अंदर भेज दें। फिर हम क्या करते हैं, उस टब के अंदर 1 mole ऑफ HCl का सॉल्यूशन भरते हैं। 1 mole ऑफ HCl का सॉल्यूशन भरने के बाद ये पूरा जो सेटअप क्रिएट होता है वो होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका फंक्शन क्या है, मान लीजिए इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जब हम किसी सेटअप के अंदर लगाते हैं तो अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेफ्ट साइड में अटैच करते हैं तो ऑक्सीडेशन होगा, सिंपल सी बात है। तो इसमें हम इसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड के नाम से जानेंगे। अगर इसे हम राइट साइड में अटैच कर देते हैं किसी भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड में, या फिर किसी का पता करने के लिए किसी भी मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पता करना है तो उसे हम रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से या रिडक्शन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से हम रिप्रेजेंट करेंगे। थैंक यू सो मच।